हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन वाइट कोरमा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये चिकन वाइट कोरमा है। बाज़ लोगों को इसकी शक्ल नहीं इतनी अच्छी लगती, लेकिन रेड चिली पाउडर इसमें नहीं जाता, तो इसकी शक्ल ऐसी ही होती है और ये बहुत मज़ेदार क्रीमी सी बनती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, दो चिलीज और 1 कप योगर्ट लेकर इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 चिलीज़ भी ले सकते हैं। अभी मैंने होल चिकन लिया है, होल चिकन को मैंने लेके उसको कट कर लिया था, और अब जो है मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल जितना आप लोग लेते हैं आप उतना ले सकते हैं। बाकी ये जो है बे लीफ है, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और कार्डिमम मैंने इलायची, और लौंग 8-10 लौंग ली है मैंने। पहले इसको ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को मैंने पीसेस में कट कर लिया था, चिकन को अब इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। वो जो प्याज और योगर्ट और ग्रीन चिलीज़ मैंने ब्लेंड की थी, उसके बाद हम उसका मिक्सचर भी इसमें ऐड करेंगे। उनको ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, पहले उनको ब्लेंड कर लें, और उसके बाद यहाँ पर 2 मिनट्स के लिए अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर लें, ताकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसमें जिंजर एंड गार्लिक 1 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये जो मैंने 2 चिलीज़ डाली थी, ये बिल्कुल नॉर्मल चिलीज़ हैं इसके अंदर, ना इतनी ज़्यादा मिर्चों वाली ये कोरमा नहीं था, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाना होता है तो मैं ज़रा कम स्पाइसेस रखती हूँ। आप इसको 3 से 4 कर लीजिए, ताकि आपकी थोड़ी स्पाइसी कोरमा बन जाए। इसको अच्छे तरीके से जो है हम 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो मिक्सचर मैंने पहले आपको दिखाया है, दही और प्याज और हरी मिर्चें, उन तीनों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, और उसका मिक्सचर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बहुत मज़ेदार जो है ना कोरमा बनता है, वाइट कोरमा, डिफरेंट है ये जो हम नॉर्मल कोरमा खाते हैं ना। ये वो अनियन, योगर्ट और ग्रीन चिलीज, इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था तीनों चीज़ों को। ग्रीन चिलीज़ मैं फिर आपको कह रही हूँ, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आप ज़्यादा ऐड कर लें। इसको कवर करके कुक कर लेंगे। अच्छा, इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आप यूज़ करते हैं एक हंडिया में, उतना इसके अंदर आप सॉल्ट डाल लें, और देन इसको जो है हम कवर करके रखेंगे जब तक कि चिकन टेंडर नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे आप इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, यहाँ वाली जो चिकन है ना वो बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। अच्छा, ये मैंने बादाम ले लिए थे, काजू हैं, और ये क्रीम का पैकेट है 125 ml का। आप 1 कप क्रीम ले लें, घर की मलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर मलाई उतरती है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें क्रीमी सा टेक्सचर ही देना है, तो वो उससे भी आ जाता है टेक्सचर भी, टेस्ट भी इवन। तो ये अब तकरीबन 10 मिनट्स के बाद जो है मैंने देखा है, तो ये चिकन टेंडर हो गया है। ब्लैक पेपर पाउडर, एक्चुअली इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर जाती है, क्योंकि ब्लैक पेपर से भी हंडिया का कलर चेंज हो जाता है। तो वाइट पेपर मेरे पास थी नहीं, तो मैंने ब्लैक पेपर ही यूज़ कर लिया, और जितना आपने उसको, क्योंकि और कोई तो इसके अंदर जा नहीं रही चिलीज़ जो हैं, तो ब्लैक पेपर ही जा रही है या ग्रीन चिलीज़ जा रही हैं, वो ज़्यादा ऐड कर लें। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बादाम, पिस्ता और क्रीम दिखाया था, मैंने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको ऐड किया अब, तो इसको ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जितना आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं फिर आप उतनी ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको अगेन कवर करके कुक करें। आफ्टर 5 मिनट्स जो है इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से कुक कर लें। चिलीज़ अब मैं इसमें चिलीज़ और ऐड कर रही हूँ। 4 चिलीज़ मैंने स्लिट कर लिया था, बीच में से उसको काट लिया था, एंड देन मैंने वो ऐड किया है। लेमन जूस है पूरा, एक बड़ा लेमन था मेरे पास, मैंने उसको स्क्वीज़ करके मैंने वो डाला है इसके अंदर। तो चिलीज़ मैं अगेन आपको कह रही हूँ, बिल्कुल माइल्ड सी थी,
ये है फेन्यूग्रीक, कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इससे जो है हंडिया का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, अच्छे तरीके से इसको कुक कर लें। पानी आप डाल के इसको अपनी जितनी भी ग्रेवी आप पतली या ज़्यादा रखना चाहते हैं आप वो एडजस्ट कर लें। पानी डालें और पानी डालने के बाद इसको हल्की आंच पर 5 to 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दें। और उसके बाद जो है ये रेडी है, बड़ी फटाफट जल्दी जल्दी बन जाती है। अब क्योंकि प्याज भी हमने ब्लेंड कर लिया था, लहसुन अदरक भी ब्लेंड हुआ हुआ है, तो इसको इतना कोई ख़ास पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मेरी जो चिकन वाइट हंडिया ये रेडी है। आप इसमें धनिया भी डाल लें। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।